इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अहम मुलाकात में यूपी की आगे की रणनीति पर फाइनल चर्चा होनी है, यानी संगठन में कोई परिवर्तन की जरूरत है या नहीं। 2024 के नतीजों के बाद पार्टी के अंदर खाने जारी गुटबाजी से कैसे निपटा जाए। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल संभव है। आखिर यूपी में क्या होने वाला है, इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालात पर चर्चा है, दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मुलाकात सिर्फ या फिर आगे की भी कोई बात? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुलाकात हो रही है अंजना, तो आगे की भी बात होगी, और आगे की बात होगी तो उसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी टकराव हैं, उनकी बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से खुले तौर पर, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, उनकी सुनी नहीं जाती है, विधायकों की, मंत्रियों की बातों को नहीं सुना जाता है। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही थी उसको लेकर ये कयास जरूर हैं। सरकार और संगठन के बीच में डिफरेंसेस हैं, और केशव ने, प्रसाद मौर्य ने ये बात साफ कह दी कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, अपने पार्टी के तमाम नेताओं के सामने जब समीक्षा बैठक थी, प्रदेश की जो है वो राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है, वो दर्द कौन सा है उसको समझना होगा। और वही मुझे लगता है वो जिस तरीके से खुलकर आ रहे हैं, जो नतीजे आए हैं उसके बाद स्टेट के अंदर सरकार और संगठन के बीच में जो दूरियां हैं वो अब खाइयों में तब्दील हो रही हैं, उसको पाटने का काम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को करना पड़ रहा है। उन्होंने संज्ञान लिया है और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य आए हैं, और अब से कुछ देर में जो है भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे। यानी कि जो अभी थोड़ी बहुत चादर फटी है उसको रफू करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चादर पूरी फट जाए। और ये हिदायतें जरूर दी जाएंगी कि संगठन और सरकार के बारे में विधायक, सांसद, मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी पार्टी का बयान ना दे। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो वो बंद कमरे में आए, पार्टी आलाकमान के सामने, प्रदेश आलाकमान के सामने आके अपनी बात को कहे, उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन आप किसी चीज को लेकर, पार्टी और सरकार के खिलाफ आपकी नाराजगी है, आप सड़क पर जाइएगा, आप मीडिया में बयान देंगे, उसका नुकसान होगा। जिसका जिक्र जो है वो योगी आदित्यनाथ ने भी पार्टी की जो प्रदेश की कार्य समिति थी उसके कहा था, जो कुछ हो रहा है इसका नुकसान जो है 2027 में भी होगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी इस पूरी चीज को रफू करना चाहती है। बिल्कुल रफू करना चाहती है, लेकिन अभी तो पता चलेगा कि वाकई अगर चादर में कहीं पर फटा हुआ है तो कितना बड़ा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये बैठक होनी है, वहां से क्या खबर निकल कर आती है इस पर हमारी नजर है। जल्दी से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य कार्य समिति की बैठक में रविवार को लखनऊ में मिले ही थे। कल उन्होंने समझाया कि पार्टी सबसे बड़ी है, सरकार नहीं है। आज वो दिल्ली फिर पहुंच गए नड्डा जी से मिलने। क्या हो रहा है देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली में है डिप्टी सीएम केशव मौर्य। लखनऊ में सियासी पारा बहुत हाई है। दिल्ली बुलाया है, जरूर कोई बात है। यूपी पर बड़ा निर्णय लॉक हो चुका है। केशव मौर्य को मिलेगी नई जिम्मेदारी। बुलावा आ गया, अब खबर आने वाली है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों ने लखनऊ का सियासी पारा चढ़ा दिया। अब सवाल यही है कि अचानक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया तो क्यों? बड़ी बात यह है कि दिल्ली आने का बुलावा सिर्फ डिप्टी सीएम मौर्य को आया, जबकि मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली नहीं आए। यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने अभी सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया है। केशव मौर्य के दिल्ली आने की टाइमिंग को देखें तो यूपी बीजेपी में बदलाव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों, आप बीते 48 घंटे की तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर रविवार की है, जब लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लखनऊ में प्रदेश की पहली कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए 2027 विधानसभा चुनाव की हुंकार भरी। तेवर और कॉन्फिडेंस में एक नया जोश दिखा।
दूसरी तस्वीर सात कालिदास मार्ग यानी केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास की है, जहां केशव मौर्य की हुंकार के बाद से ही बीजेपी से लेकर सहयोगी दलों के मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े नेताओं का अचानक पहुंचना शुरू हो गया। इसमें पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं की संख्या अहम है। तीसरी तस्वीर दिल्ली की है, केशव मौर्य दिल्ली में। 2027 में सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ने हो गए तो भी 305 दिखाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात अहम क्यों है ये समझिए। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम योगी दिल्ली आए, टॉप लीडरशिप को जीत की बधाई देकर लौट गए, लेकिन अब तक संगठन की किसी बैठक में योगी को बुलाया नहीं गया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी के बाद डिप्टी सीएम मौर्य को ही दिल्ली बुलाया गया है, जबकि बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी के साथ मीटिंग की। पहले केशव मौर्य का दिल्ली पार्टी के पदाधिकारियों के सामने संगठन को सर्वोपरि बताना और फिर मौर्य को दिल्ली बुलाया जाना संयोग तो नहीं हो सकता। चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है उनसे कुछ बनते क्या की इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान करना दे, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। दिल्ली जाने से पहले इशारे इशारे में केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा। एक लाइन में केशव प्रसाद मौर्य की बात को समझें तो मजमून यही है। नंबर वन, सरकार नहीं सबसे बड़ा संगठन है। नंबर टू, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। नंबर थ्री, कार्यकर्ता पहले, डिप्टी सीएम बाद में। नंबर फोर, कार्यकर्ताओं की बहुत उपेक्षा हुई। नंबर फाइव, योगी की वर्किंग स्टाइल पर सवाल है। फर्क सिर्फ यही नहीं, योगी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के नतीजों को अति आत्मविश्वास से जोड़ा तो मौर्य ने संगठन और सरकार के बीच खाई को जिम्मेदार माना। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अब सवाल यही है, मौर्य ने जो कहा उसके पीछे यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत छिपे हैं, क्योंकि चार पंक्तियों की कविता के जरिए केशव प्रसाद मौर्य यूपी में परिवर्तन की बड़ी भविष्यवाणी कर चुके हैं। मैंने कहा था 2022 में कि जो होता है घटनाक्रम, रास्ता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कर पुरस्कार बन जाता है। ये ध्यान में रखकर होगा, जो भी हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन उसको सुधारने का काम आप ही को करना है, हम ही सब लोगों को मिलकर करेंगे। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार। हिमांशु, ये बैठक कब होनी है, कंफर्म्ड क्या क्या बातें हैं अभी तक जो हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं? अंजना, ये बैठक जो है पिछले लगभग 20 मिनट से जो है वो चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य 20 मिनट पहले बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक चल रही है। और सबसे बड़ी बात चीज ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बोला है वो, जेपी नड्डा उस वक्त मौजूद थे,
कार्य समिति की बैठक में, समीक्षा बैठक में उनके सामने योगी आदित्यनाथ थे और उन्होंने जो बात कही वो संगठन को लेकर कहा है। संगठन है तो सरकार है और इसीलिए संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। कल भी मैंने आपको एक बात कही थी कि संगठन अगर मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट दिलाता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकता है। गुजरात का मैं एग्जांपल दे सकता हूं, विकट से विकट स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें जीती हैं और पिछले 27 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी वहां कोई चुनाव नहीं हारी है। ये एक कहीं ना कहीं चीज है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इस बार 29 में से 29 सीटें जीती, 2019 में जो है वो 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। गुजरात में अगर संगठन चरमराया तो आप देखेंगे कि 25 से घटकर सीधा 14 सीटें रह गई हैं और 11 सीटों का फायदा जो है वो इंडिया ब्लॉक को मिला। इसी तरीके से संगठन और सरकार अगर मिलकर काम नहीं करते हैं उसका खामियाजा जो है वो आपको चुनावों में भुगतना पड़ता है। इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ये बात कहते नजर आए, जो आपका दुख है वो मेरा दुख है। यानी कि कहीं ना कहीं मंत्री विधायक जो बात कह रहे हैं वो उनके दिलों में कई दिन से वो टेस होगी कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते हैं, कोई उनकी बात को सुनना नहीं चाहता है, वो जो भी चीज कहते हैं उनका पालन नहीं किया जाता है प्रशासन की तरफ से। ये कहीं ना कहीं बात है। इसी को लेकर जो है केशव प्रसाद मौर्य ने भी बात कही और उसके बाद तमाम विधायकों ने कही। आप देखिए जब चुनाव के नतीजे आए थे 4 जून को, उसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति हो, तमाम लोग हो जो चुनाव लड़े और हार गए, उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर भीतर घात हुआ है हमारे खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बातों को सुनता नहीं था, उसका खामियाजा हमको जो है चुनाव में। हिमांशु बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए 20 मिनट से ये बातचीत अभी चल रही है जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, क्या कुछ होता है हमारी नजर बनी हुई है।